रात्रि क्लास चल रहा था 16/9/1966 चौथी पेज की मध्यात्म में बात चल रही थी मनमना भव मध्याजी भव यानी बाप को याद करो वर्षे को याद करो बाकी कोई को याद करेंगे तो मुरझाए जाएंगे और मुख सूख जाएगा ऐसे फिलड़ा मुख हो जाएगा एकदम। तो नहीं तुमको तो याद कर करके खुशनुमा चेहरा बनाना है क्योंकि तुम बच्चे सौभाग्यशाली हो ना। सौभाग्यशाली भी किसका, तुम्हारा वो बाप और वो तो कितना होता है। तुमको तो कभी भी रोना नहीं आना चाहिए बिल्कुल ही। क्यों, तुमको भविष्य 21 जन्म में नहीं रोना है। और इस समय अगर रोती रहेंगी तो तुम्हारी आत्मा कच्ची पड़ जाएगी, समझा ना। किस समय रोने की बात बताई, संगम युग में अगर थोड़ी भी मुरझाइश आती है रोना होता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 84 जन्मों में आत्मा में जो पावर होना चाहिए सुख भोगने की, वो सुख भोगने की पावर नहीं रहेगी। जरूर किसके कारण रोई होंगी, और जिसके कारण रोएंगी उसके लिए तुमको सजा खानी पड़ेगी। कोई किसके कारण रोता है, है? अपनी देह के कर्म भोग के कारण रोता है, देह के संबंध के कारण रोता है, कोई ना कोई देह के पदार्थ के कारण रोता है। देह के कोई ना कोई संपर्क ही होते हैं, थोड़े समय संपर्क में आने वाले वो भी रोला देते हैं। कभी कोई समय ऐसा आ जाता है पूर्व जन्म के हिसाब किताब वाला, वो समय रुला देता है। तो कोई भी कारण बना हो उस कारण के लिए तुमको सजा खानी पड़ेगी। बाबा तो कहते हैं आज मम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बीवी मरे तो भी हलवा खाना। प्यारे प्यारे संबंध कौन से बताए जो बहुत सुख देने वाले हैं। अम्मा बहुत सुख देती है और
घरवाली भी बहुत सुख देती है। अगर बहुत सुख न देती होती तो कोई शादी भी न करते। तो दोनों सुखदायी संबंधों के लिए बताया, अगर मर जाएं तो भी क्या करना है, तो भी खुशी का हलवा खाना है। ये नहीं कहा बप्पा मर जाए तो हलवा खाना है, अपने को सेफ कर दिया। क्यों अपने को क्यों सेफ कर दिया है? तो अमर है, वो कभी मरता ही नहीं है। कभी रोने की बात नहीं है, कुछ भी हो जावे, क्योंकि जो कुछ भी होगा, वर्षा तो फिर भी बाप से ही मिलेगा। कौन सा वर्षा? सुख और शांति का, बेहद का वर्षा, बेहद के बाप से ही मिलेगा। जबकि हमको, तुमको, जिसको भी चाहिए, किसने बोला है? ब्रह्मा बाबा ने बोला हमको, तुमको, तुमको किसको बोला है? हमको बोला ब्रह्मा बाबा, बोलेंगे तो चंद्रवंशियों के लिए बोलेंगे ना। हमको, तुमको, तुमको माने जिनसे सन्मुख बात करते हैं, किनसे सन्मुख बात करते हैं है? अरे सहयोगी बच्चों से ही बात करते हैं ना। सबसे बड़े सहयोगी कौन बनते हैं ब्रह्मा बाबा के? दीदी दादी बनती हैं। दीदी दादी ने सहयोगी बन करके उनका पद नीचा कराई दिया या ऊंचा बनाई दिया? कैसे है? नहीं, उनके सामने से वो हम नहीं, उनके सामने दीदी दादियां जो थी उनकी बुद्धि में बैठा हुआ था कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण की आत्मा ही है। माना ब्रह्मा बाबा ही गीता का भगवान है। और मुरली बोलती कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। तो ये बात दीदी दादियों की बुद्धि में कभी नहीं आई। अच्छा, मम्मा की बुद्धि में आई होगी है? मम्मा तो बहुत मनन चिंतन मंथन वाली थी, उसकी बुद्धि में भी नहीं आई। कि बाबा जो वर्षा देने की बात करते हैं वो इसी जन्म में वर्षा देने की बात करते हैं या अगले जन्म में वर्षा देने की बात करते हैं? इसी जन्म में वर्षा देने की बात करते। और ब्रह्मा को भी ये बात बुद्धि में बैठी थी। कि मैं अब इसी जन्म में जाकर क्या बनूंगा?
कृष्ण बनूंगा। लेकिन ये बात बुद्धि में नहीं थी कि शरीर छोड़ करके कोई के शरीर में प्रवेश करके कृष्ण बनूंगा। पार्ट शरीरधारी आत्मा बजाती है या प्रवेश करने वाली आत्मा पार्ट बजाती है? मान्यता किसकी होती है? शरीरधारी की मान्यता होती है। तो ये बात उनकी बुद्धि में भी कभी नहीं आई। क्या कि हम डायरेक्ट सूर्य के बच्चे नहीं हैं? कृष्ण को कृष्ण चंद्र भी कहा जाता है ना। राम को भी रामचंद्र कहा जाता है। तो उन दोनों में पहला चंद्रमा कौन है? राम कैसे है? कृष्णचंद्र। सत्युग में पहला पत्ता कौन बनेगा? कृष्ण वाली आत्मा। और कृष्ण को जन्म देने वाला है वो चंद्रमा कहा जाएगा या ज्ञान सूर्य कहा जाएगा? वो तो ज्ञान सूर्य हो गया। तो देखो, सूर्य से वर्षा मिलना अच्छा, पावरफुल से ज्यादा वर्षा अच्छा मिलेगा, पावरफुल वर्षा मिलेगा या कमजोर से अच्छा वर्षा मिलेगा? एक है देने वाला ज्ञान सूर्य, ज्ञान देने वाला है, और चंद्रमा ज्ञान सूर्य से लेने वाला है, यानी कि रोशनी लेता है। तो जो लेता है वो बड़ा या देने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा। तो ब्रह्मा की बुद्धि में हमेशा ये बैठा रहा कि मैं तो साकार में भगवान हूं। गीता का भगवान साकार में मैं हूं, तो अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं। इसलिए अहंकार के कारण वर्षे की कमी आ जाती है या वर्षा पूरा मिलता है? कमी आ जाती है। वैसे भी देखा जाए दुनिया में जितने भी अहंकारी धर्म हैं उनको राजा ही का वर्षण मिलता है, तो ना के बराबर या तो मिलता ही नहीं। जैसे आर्य समाजी हैं, प्रजातंत्र राज्य चलता है, 2-5 साल का वर्षा मिलता है राजा ही का, फिर राजा ही खलास। आधे नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते। कहते स्वर्ग नरक क्या है? इसी दुनिया में स्वर्ग, इसी दुनिया में नरक, अलग से कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। हम ही नरक बनाने वाले, हम ही स्वर्ग बनाने वाले। हम चाहे तो एटम बम से अभी दुनिया का विनाश कर दे। ये अहंकार सबसे बड़ा चढ़ा रहता है। तो देखो, उन अहंकारियों को भगवान से प्राप्ति राजा ही की नहीं होती। जो भगवान का वर्षा है राजा ही, कंट्रोलिंग पावर उनकी आत्मा में, वो कंट्रोलिंग पावर नहीं आती।
बाकी कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, क्या कितना भी कामी हो, कितना भी क्रोधी हो, कितना भी लोभी हो, कितना भी मोही हो, तो भी उनको भगवान का वर्षा मिल ही जाता है। किसको नहीं मिलता? अहंकारियों को नहीं मिलता। तो ब्रह्मा भाव में अहंकार का पुट हुआ या नहीं हुआ है? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अपन को ही गीता का भगवान समझ लिया। गीता माता तो कहा, लेकिन माता का पति खुद बन के बैठ गए। तो वो वर्षा नहीं मिलता जो भगवान बाप से डायरेक्ट मिलना चाहिए। नर से डायरेक्ट क्या बनने का? नारायण बनने का इसी जन्म में। तो बोला, जबकि हमको, तुमको और जिनको भी वर्षा चाहिए, वो बेहद का वर्षा बाप से ही मिलना है। मतलब हमको माने चंद्रवंशियों को, तुमको माने सूर्यवंशियों को, हमको किसने बोला और तुमको किसने बोल दिया है? हमको ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया और तुमको किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। शिव बाबा तो इमर्ज करके बोलते थे ना, तुमको किसको बोला जाता है? बाजू वाले को बोला जाता है, पीछे वाले को बोला जाता है, या सामने वाले को बोला जाता है? सामने वाले को तुमको बोला जाता है। तुम सन्मुख बैठ करके सुनते हो, तुमको की खासियत क्या हुई? तुम सन्मुख बैठ करके भगवान के डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके सुनते हो। तो तुमको या दुनिया में जिनको भी, चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वाले हो, उनको भी सुख शांति का वर्षा मिलता है कि नहीं है? पहले जन्म में जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता ही है। तो जिसको भी चाहिए बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। इसलिए बच्चे कुछ भी हो तो बाप की याद में रहना। क्या कहा? दुनिया में कितना भी बड़े से बड़ा मुसीबत का पहाड़ गिर जाए है, कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, बड़े से बड़ा मरहा पड़ जाए, सारा गांव खलास हो जाए, जिस शहर में हम रहते हैं वो पूरा शहर ही क्या न हो जाए है, सारा शहर खलास हो जाए, लेकिन तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। क्यों है? कि जिनको मरना था वो तो मरे। क्यों मरे? कुछ पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है तब मरे, या बिना हिसाब किताब के मरे? कुछ न कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो अंत समय का सुख नहीं देख सकते, जो भगवान से मिलता है, जो गीता में लिखा, वो कुरान में भी लिखा है, मुसलमान भी जानते हैं कि खुदा जब कयामत के समय में आता है तो भगवान खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। तो बोला, कुछ भी हो बाप की याद में रहना है, वर्षा लेना है। और तुम्हारा अंजाम है क्या?
तुम्हारा अंजाम एक बहुत बड़ा पक्का अंजाम है बाबा से किया हुआ। पहला शब्द बताएं, मेरा है पूरा बताओ, दूसरा न कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस दुनिया में कोई भी काम नहीं आने वाला है। ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ जाएंगी। अभी क्या कर रहे हैं लोग, कोई बच्चे को पकड़े बैठे, कोई चाचा को पकड़े बैठे, कोई पापा को पकड़े बैठे, कोई बच्चा को पकड़े बैठे, बच्चा हमारा जिंदगी चलाएगा, ऐसे होता है ना, अपने अपने संबंधियों को पकड़े बैठे, कोई पैसे को पकड़े बैठे, प्रॉपर्टी को पकड़े बैठे, तो उनकी बुद्धि उनमें जाती है। और तुम्हारी बुद्धि किस में जाए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो बुद्धि में हमेशा रहे कि हम उनके बच्चे हैं, उनके कह के दूर क्यों कर दिया है, उनके बच्चे हैं, इनके नहीं है, किनके, ब्रह्मा बाबा के। और बाबा आए हैं लेने के लिए क्या, और बाबा इस दुनिया में हमको लेने के लिए आ गए हैं, आए हैं, हैं, आए हैं, अब नहीं आएंगे। अरे ये क्या बात है, या तो आए हैं या तो आएंगे या तो आ चुके हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में, दादा लेखराज के तन में आए हैं, आए हैं, आए तो हैं, परमधाम छोड़ करके इस दुनिया में आए हैं, लेकिन गुप्त है। जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो माँ के पेट में गुप्त जाकर के रहती है, तो ये तो कहेंगे कि हाँ आत्मा आई है, आत्मा आई या नहीं आई, आत्मा हमारे घर में आई लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, अभी पार्ट गुप्त है। और आए किस लिए हैं, हैं वो भी याद रहे, आए हैं तो किस लिए आए हैं, पार्ट बजाने आए हैं, पार्ट बजा के हमें छोड़ के चले जाएंगे हैं, हाँ, पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजा करके हाँ वापस जाएंगे तो हमें भी ले जाएंगे, हम उनके ही धाम में जाएंगे। क्या कहा, उसके ही धाम में जाएंगे। और जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसके एवज में हमको अपना वर्षा नंबरवार मिल जाएगा। क्या कहा, वर्षा जो है सुख और शांति का वर्षा किसके एवज में मिलेगा, पढ़ाई के एवज में। जिसने जिसती जास्ती गहरी पढ़ाई पढ़ी भगवान की, उसको उतना ही जास्ती जन्म जन्मांतर का सुख और शांति का वर्षा मिल जाए। सबको एक जैसा मिलेगा कि नंबरवार मिलेगा, नंबरवार क्यों मिलेगा हैं? एक ही तो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं तो एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। अरे अरे दुनिया में भी एक बाप होता है तो अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को बराबर बराबर बांट जाता है या ज्यादा कम बांट जाता है, हैं? बराबर बराबर बांट जाता है, तो ये बाबा ऐसा क्यों करता है, नंबरवार क्यों कहता है, हैं?
बाबा बता देते हैं पहले से क्या कि मैं बाप के साथ साथ टीचर भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। जितनी तुम पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी ठीक है ना, इसमें मुझने की तो दरकार नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही मधुबन है। और तो कोई मधुबन है नहीं। क्यों, सतारा मधुबन नहीं है? हैं? बताओ। अरे सतारा मधुबन मानेंगे या नहीं मानेंगे? और तो सब आर्टिफिशियल मधुबन बने हुए हैं। क्या कहा? तो फिर आर्टिफिशियल चीज लेनी चाहिए है? अरे ओरिजिनल चीज लेनी चाहिए कि आर्टिफिशियल लेना चाहिए? हीरा खरीदना है तो ओरिजिनल हीरा खरीदना है, उसकी कीमत पक्की ज्यादा होगी, या इमिटेशन हीरा खरीदेंगे है, आर्टिफिशियल खरीदेंगे? जैसे अमेरिका के हीरे आते हैं, 25 पैसे का भी एक हीरा आ जाएगा। ऐसा लेंगे? आर्टिफिशियल लेना चाहिए? हाँ, तो जब आर्टिफिशियल मधुबन है तो छोड़ो, हटो, छोड़ो, भागो यहाँ से, यहाँ फालतू बैठना है। अरे सतारा मिनी मधुबन जब आर्टिफिशियल है तो छोड़ के भागो यहाँ से। क्यों आरती माता, कहाँ जाओगे? दौंड में? दौंड में भी आर्टिफिशियल है, हैं? महामधुबन में जाएंगे? अच्छा, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा उस समय की बात, 66 की बात बताई। क्या बताई? एक ही मधुबन है। क्या? एक ही मधुबन है, और तो कोई मधुबन नहीं है। है बोला या होगा बोला? है। और तो सब आर्टिफिशियल मधुबन बने हुए हैं। उन लोगों की बात बताई जो भगवान बन के बैठे हैं। उस समय भी 66 में भी भगवान बने हुए बैठे थे ना, तो उनकी बताई। और तो सब आर्टिफिशियल मधुबन बने हुए हैं। हैं का मतलब क्या हुआ? हैं? उस समय की बात बताई। वहां कोई थोड़े ही बैठ करके ये राज्यों को सिखलाया जाता है। कहां? हैं? जो आर्टिफिशियल मधुबन बनाए हैं गुरुओं ने, वहां कोई राज्यों को थोड़े ही सिखलाया जाता है, और यहाँ तुम्हारे सतारा में आर्टिफिशियल राजयोग सिखलाया जाता है या ओरिजिनल राजयोग सिखलाया जाता है? ओरिजिनल राजयोग से पक्का है? अच्छा, कहां भी जाओ, इस दुनिया में कहां भी जाओ, 66 की बात बताई, सब जगह आर्टिफिशियल राजयोग सिखलाया जाता है। कहाँ भी प्रैक्टिकल नहीं सिखलाया जाता। वो गीता बैठ करके सुनाते हैं, कौन? गुरु लोग हैं? उसमें कोई राजयुग रखा हुआ है जो मिला है? 2000 साल से वो गुरु लोग, मनुष्य गुरु, गीता बैठ करके सुनाते हैं, राजयोग की बातें बताते हैं, तो कोई राजयोग सीख करके राजा बना? बना? उनमें कोई राजयोग रखा हुआ है क्या जो किसी को मिला? भला क्यों जन्म जन्मांतर वो गीता पढ़ते आए, जिससे पढ़ने से, जिसे राजयोग सीखने से कोई राजा बना ही नहीं?
राजा ही तो किसको मिली ही नहीं। अच्छा वहां नहीं मिली, बेसिक में और एडवांस में मिल गई, बोलो। बेसिक में ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाई पढ़ी, एडवांस में भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ किसी को राजा ही मिल गई नहीं मिली, तो क्या फायदा, दोनों जगह बेकार हैं? मिल गई हैं? अरे बाबा ने कहा तुमको अगर राष्ट्रपति का पद मिले तो भी तुम थू, हमें नहीं चाहिए, थूक मारेंगे। अगर ऐसी स्टेज बनी हुई है जिनकी जिनकी कि हमें दुनिया का कोई पदमान मर्तबा नहीं चाहिए, सब अल्पकाल के पदमान मर्तबे हैं, तो उनका फाउंडेशन पक्का पड़ गया संगम युग में। जिनका पक्का ऐसा फाउंडेशन है कि राजा ही हमको भगवान बाप से ही मिल रही है, इस जन्म में भी मिलेगी और अगले जन्म में भी, जन्म जन्मांतर हम कंट्रोल करेंगे, और हम कंट्रोल होने वाली प्रजा बनने वाले नहीं हैं। बहुत से कुमार ऐसे बैठे होंगे जो पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, कोई है हाथ उठाना, क्या करेंगे पढ़ाई पढ़ के, सो तो बताओ, नौकरी क्या करेंगे, नौकर बनेंगे, अंग्रेज लोग सिखाए गए, क्या अंग्रेजों ने क्या सिखाया, नौकरी करना सिखाया, अंग्रेज लोग खुद आए थे यहाँ बिजनेस करने, व्यापार करने, इंडिया में क्यों आए थे, व्यापार करने, खुद व्यापार करेंगे और यहाँ सिखा के क्या गए, नौकर करो, नौकरी बनो, नौकर बन जाओ, नौकर माने दास दासी, लो दास दासी बनना सिखाया। अब भगवान बाप क्या सिखाते हैं, भगवान कहते हैं अरे क्यों दास दासी के संस्कार डालोगे संगम युग में, क्या ये दास दासी के संस्कार पड़ जाएंगे कहाँ, संगम युग में अगर किसी के दास दासी बने, शूटिंग हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए हैं? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं उत्तम खेती मध्यम बान, निखद चाकरी सेवा करना, सर्विस करना, नौकरी करना निषिद्ध, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, भीख तो कभी नहीं मांगना चाहिए, मर जाए लेकिन भीख नहीं मांगना। तो देखो दुनिया क्या करना सिखाती है और बाबा क्या करना सिखाते हैं, ऐसे संस्कार अभी पढ़ना चाहिए हमारे अंदर कि हम किसी की नौकरी किसी के अंडर में रहने वाले नहीं हैं, हमको भगवान बाप मिला है, भगवान आकर के हमको नर से नारायण जैसा राजा बनाते हैं। कैसा राजा, जिस राजा की कभी भी कोई युद्ध में हार नहीं हुई, दुनिया में एक ही राजा ऐसा हुआ है, कौन, जो नर से नारायण बना। तो वो गीता जन्म जन्मांतर पढ़ते आए एक धर्मगुरु लोग, राजा ही तो किसी को नहीं मिले, ऐसा कोई भी गीता पाठी नहीं है जो कहेगा हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भविष्य में तुम 21 जन्म राजा बनेंगे, है कोई ऐसा गुरु है, नहीं कोई भी नहीं है, ये तुम जानते हो, तुमको निश्चय है कि बरोबर हम पुरुषार्थ ही करते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए,
और हूबहू कल पहले मुआफ़ी के पुरुषार्थ करते हैं। और हम कल्प कल्प ये 84 जन्म चक्कर लगाकर फिर नए सिरे बाप से ये नॉलेज लेकर के फिर हम लक्ष्मी का वरण करते हैं। भक्ति मार्ग में भी शादी होकर के आती है तो क्या कहते हैं, घर में कौन आई, लक्ष्मी आई, कितना खुश होते हैं। ये तो निश्चय हो गया ना बच्ची, तो निश्चय बुद्धि विजयंती। क्या बुद्धि में अगर ये निश्चय बैठा हुआ है क्या कि हम मधुसूदन के मधुवन में रह करके राजयोग सीख रहे हैं, और राजयोग सीख करके हम जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। जिनको ये निश्चय बैठ गया उनको तो क्या पहचान होगी, उनको राष्ट्रपति का पद भी मिले तो भी थूक मारेंगे। तो देखो विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती, माना ही रुद्रमाला में पिरोए। कैसे विजयंती हैं, रुद्रमाला में पिरोए करके और विष्णु के गले का हार बन जाएंगे। किसके गले का हार बनेंगे, विजयमाला के दाने बनेंगे। विजयमाला किसकी होती है, विजयमाला विष्णु की, और रुद्रमाला है शिव की। तो शिव शंकर भोलेनाथ की रुद्रमाला और शिव शंकर भोलेनाथ फिर क्या बनेंगे, विश्व के मालिक बनते हैं। तो देखो ये ब्राह्मणों की माला बन रही है। कभी देखो दाना 8 नंबर में है तो कभी ग्रहाचारी लग जाती है। ये ग्रहाचारी क्या होती है, ये क्या होता है, हैं? आचारी, कैसी आचारी, ग्रहाचारी। ग्रह कोई एक तो नहीं है, ग्रह कितने हैं, हैं? 9 ग्रह हैं, खास खास छोटे मोटे भी हैं जो लोगों को पता भी नहीं होता है, जो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं विनाश काल में। तो जो ग्रह 9 हैं उन ग्रहों में एक तो सर्वोच्च है, होगा या नहीं, बहुत भारी, सबका गुरु, कौन सा, बृहस्पति। और बाकी है नंबर वार 8। तो बृहस्पति जैसे पावरफुल पति होंगे हैं, पतियों के पति तो एक ही गाया हुआ है, बाकी जो है, पति का अर्थ क्या है, पति का अर्थ है रक्षक, पाति, जो रक्षा करता है। तो एक तो सारे संसार की रक्षा करने में समर्थ है, और बाकी जो 8 है सारे संसार की रक्षा करने में सदा काल के लिए समर्थ नहीं हो सकते। उनकी जो आचरण है, आचारी है, उनके आचरण को जो फॉलो करने वाले, वो कमजोर पड़ जाएंगे या पावरफुल रहेंगे, वो कमजोर पड़ जाएंगे। क्योंकि वो जो 8 हैं वो कमजोरी लाने वाले हैं,
कौन कौन से आठ हुए गिनाओ, जो कमजोर कर देते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा को गिना? अच्छा, हम ब्रह्मा कुमारियों को बताएंगे। चलो तुमने चंद्रमा को गिना, दूसरा फिर है इस्लामी, फिर बौद्धी के, क्रिश्चियन है, कौन बौद्धी नहीं गिने, बौद्धी हाँ, शंकराचार्य पहले आचार्य सन्यासी, उसके बाद मुस्लिम, फिर हुआ है सिख न, गुरु नानक भूल गए, गुरु नानक। आर्य समाजी तो देवताओं को ही नहीं मानते, और बिना देवताओं के भगवान कोई काम करेंगे है? वे देव आत्मा है, अगर उनको इस दुनिया में न मिले, भारत में न मिले, तो भगवान का काम पूरा होगा है? नहीं होगा। उन देवताओं में भी बड़े थे बड़ा महादेव, उसका नाम क्या दिया महादेव, उसके बगैर काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये आठ धर्म हुए जो हैं तो पावरफुल, लेकिन नंबर वार की लिस्ट में हैं, ऐसे पावरफुल नहीं है कि जो सदैव ही पावरफुल बने रहे। तो उन आठ की ग्रहचारी बैठती है, ऊंची ते ऊंची आचारी किसकी है? बृहस्पति की। बृहस्पति की ग्रहचारी बैठे, वो तो बहुत अच्छी बात। वो कैसे बैठती है? हैं? अरे उसका संग करेंगे तो उसके आचरण करेंगे, उसका संग नहीं करेंगे तो दूसरों का संग करेंगे। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है या नहीं? बिना समाज के तो वो रह नहीं सकता, किसी न किसी का संग तो चाहिए। तो जैसे जैसे का संग करेंगे वैसे वैसे आचरण करना ही पड़ता है। तो अच्छों का आचरण करें, अच्छा आचरण करें, उसके लिए अच्छे से अच्छा संग ढूंढें। और हमारा तो विरुद्ध है, हमारा एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो शिव बाबा जिस ग्रह में प्रवेश करता है वो ही हमारा सर्वश्रेष्ठ पति है, जिसको कहते हैं पतियों का पति। क्योंकि हर जन्म में हम पुरुष थोड़े ही बनेंगे जो हमारा कोई पति बने नहीं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे हैं? हर जन्म में क्या बनेंगे? पुरुष बनते रहेंगे हैं? स्त्री भी तो बनेंगे, तो स्त्री बनेंगे तो कोई कहे कि हम उन आठ में से किसी को अपना पति नहीं बनने देंगे, किन आठ में से हैं? वही जो कमजोर हैं, ऐसे हो सकता है? हैं? नहीं हो सकता। और हो जाए तो हैं? हैं? देखो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के ऊपर कोई की ग्रहचारी बैठती है? हैं? वो कोई के अंडर में आएगी? हैं? किसी जन्म में कोई उन आठ में से कोई को पति बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो जब एक का ऐसा आचरण हो सकता है कि वो किसी गिरे हुए को, कमजोर को पति नहीं बनाएगी, तो फिर कोई नंबर वार की लिस्ट में आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। तो हमें श्रेष्ठ आचरण करना ही सीखना है। हम उन आठ की ग्रहचारी के अंदर आने वाले नहीं है। सबसे खराब आचारी किसकी है? हैं? वो भी आचारी बन के बैठता है, राहु। वो बस
अपने जो सिर है ना मुंडी, उस मुंडी से डायरेक्शन देता रहता है, खुद करे या ना करे। क्यों ना करे? क्यों? शरीर नहीं है, उसको तो शरीर है ही नहीं, तो वो तो करने का तो कोई प्रैक्टिकल में सवाल ही नहीं। वो दूसरों से डायरेक्शन देता रहता है। अरे जो खुद ही नहीं करेगा वो दूसरों से कैसे कराएगा? करेगा ये? कराएगा? बिल्कुल नहीं करा सकता। तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट, उसके बाद उससे कुछ ज्यादा श्रेष्ठ है तो शनिदेव, शनिचर। वो भी दशा बहुत अच्छी है कि बहुत खराब है? हैं? वो भी बहुत खराब, फिर नंबरवार। तो बताया कभी देखो, आठ नंबर में दाना, हमारा आत्मा का दाना आठ नंबर में जाला चला जाता है, बहुत ऊंची स्टेज हम अनुभव करते हैं। और कभी ग्रहाचारी लग जाती है, किसकी? ऊंचते ऊंचे शिव बाबा की ग्रहाचारी लगती है या नीचे ग्रहों की आचारी लगती है? हैं? नीचे ग्रहों की आचारी लगती, आचारी कैसे लगती है? उनको हम आचारी बना लेते हैं। किनको? हैं? जो कमजोर हैं उनको हम अपना गुरु बना लेते हैं, आचारी बना लेते हैं। तुम हमें समझाओ मुरली का अर्थ क्या है, वो बैठ के बताएंगे। मुरली का अर्थ ऐसा नहीं है, ऐसा है, बुद्धि घुमा देंगे। तो आचारी है, उनकी आचारी में आ गए कि नहीं आ गए? तो खुशी की डांस तुम बच्चों को करना चाहिए। क्या हम जाकर के अभी बैकुंठ में डांस करेंगे? संगम युग में जितना हम खुशी की डांस करेंगे, अंदर दुख की लहर ना आने पाए, तो हम जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? हैं? जन्म जन्मांतर सुखी जीवन में रहेंगे, कभी भी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। मीठे मीठे सिकीले ज्ञान सितारे बच्चों प्रति। सिकीले दे क्यों कहा है? सिकीले दे इसलिए कहा कि बहुत दिनों के बाद कोई बिछड़ा हुआ बच्चा मिलता है तो बड़े सिक से, बड़े प्यार से मिलते हैं, मिलते हैं ना? तो बोला सिकिल दे ज्ञान सितारे बच्चों प्रति, मात पिता का। किसका किसका? एक का या दो का? माने अलग अलग हैं, एक ही हैं? अच्छा, आत्माएं अलग अलग हैं कि एक ही है? आत्माएं अलग अलग हैं लेकिन शरीर, शरीर एक ही है। कैसे बताओ कैसे? हैं? दुनिया में तो माता अलग होती है, उनकी आत्मा अलग होती है, और पिता अलग होता है, उसकी आत्मा अलग होती है। यहाँ तुमने ये क्या बखेड़ा कर दिया? हैं? हाँ, अर्धनारीश्वर का जो रूप है उसमें आधा नर और आधा नारी का रूप है। अच्छा, वो तो अर्धनारीश्वर भक्ति मार्ग में दिखाया है, तुम अपना बताओ। हैं? हम कहते हैं बाप दादा। बाप कौन है? राम बाप, और दादा, दादा कृष्ण वाली आत्मा। और एक बात पक्की याद रखें कि राम बाप प्रत्यक्ष होता है संगम में कब से? है? संक्षेत्र से। तो संक्षेत्र से जब से राम बाप प्रत्यक्ष होता है तब से लेकर के अब तक
वो बाप सिर्फ राम वाली आत्मा है या मुकरर रूप से शिव भी प्रवेश है, है? हाँ, ब्रह्मा की सोल में मुकरर रूप से प्रवेश हो या न हो, या और भी कोई ब्रह्मा नामधारी पड़े, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, तो और भी नामधारी होंगे ब्रह्मा नाम के रूप में, क्योंकि ब्रह्मा के भक्ति मार्ग में कितने मुंड दिखाए जाते हैं, पांच, तो कम से कम पांच तो जरूर है। तो पांच जो मुख हैं ब्रह्मा के वो क्या बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। तो और कौन कौन से हैं, और कौन कौन से ब्रह्मा हैं? ओम राधे मम्मा, वो भी मम्मा का, वो भी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। किस बारे में कैसे कहें, वो ब्रह्मा कैसे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, वो तो कन्या थी, कन्या में तो शिव बाबा आते ही नहीं, फिर है मना मुकरर रूप से प्रवेश नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर वही शिव की शक्ति कार्य कर रही थी जो उन्होंने एक को अपने जीवन में माना और फॉलो किया, और जिंदगी में किसी को मान्यता नहीं दी और किसी को फॉलो नहीं किया। किसने? ब्रह्मा, वो अम्मा जा ओम राधे मम्मा ने। तो ये शिफ्ट ओम राधे मम्मा की थी, और किसी के अंदर ये शिफ्ट दिखाई नहीं पड़ी। चलो तीन ब्रह्मा हो गए, और चौथा है, चौथा ब्रह्मा है, हाँ, सीता वाली आत्मा। तो सीता वाली आत्मा उसे क्या कहें, जगदम्बा कहें। तो वो जगत पिता है, कौन? राम वाली आत्मा। जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, और वो माता है, युगल है। तो जगत पिता और जगदम्बा, तो जगदम्बा का जो पार्ट है वो छोटी माँ है या बड़ी माँ है? सारे जगत की माँ है तो बड़ी माँ हो गई ना, बड़ी माँ हो गई। उसमें शिव बाबा कैसे पार्ट बजाते हैं? हैं? कैसे? जगदम्बा का पार्ट बजाते हैं, हैं? हाँ, आदि में ब्रह्मा का जो बड़ा बच्चा बना, पहला ब्राह्मण बच्चा कौन बना? प्रजापिता। प्रजापिता पहला ब्राह्मण है, तो उसको ब्राह्मण बनाने वाला प्रैक्टिकल में कौन हुआ, हैं? जगदम्बा। जिसके तन के मुख के द्वारा सुना तो मुख का बच्चा बन गया। तो राम वाली आत्मा कहो, प्रजापिता वाली आत्मा कहो, उसने किसके मुख के द्वारा सुना, हैं? जगदम्बा के द्वारा सुना। क्या सुना? साक्षात्कारों की बात को सुना, सुना भी और समझा भी। तो वो ब्राह्मण बच्चा पहला बन गया, जिसके लिए कहते हैं पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, वो पहला वैश्य, वो पहला शूद्र। और पहला है तो फर्स्ट होगा तो लास्ट होगा कि नहीं? फर्स्ट सो लास्ट।
आदि सो अंत। तो बताया कौन सा नंबर का ब्रह्मा बताया? हैं? चार ब्रह्मा बताए, उनमें कौन सा नंबर का, चौथा नंबर का ब्रह्मा कौन? जगदम्बा। फिर पांचवा किसे गए? हैं? छोटी माँ। छोटी माँ सबसे लास्ट का। अच्छा, जिस नंबर का ब्रह्मा बनेगा उसी नंबर का तो विष्णु बनेगा? नहीं, हैं? फर्स्ट नारायण, सेकंड लक्ष्मी। हाँ, वो तो ठीक है, वही ब्रह्मा। विष्णु का पद कहेंगे या नहीं? वैष्णवी पद मिला है या नहीं मिला? तो वैष्णव विष्णु का पद धारण करने वालों में वो पहला नंबर है, दूसरा नंबर है या लास्ट नंबर है? कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। कैसे? नारायण पहला है, नारायण का पहला नंबर। नारायण का पहला नंबर वो तो ठीक है, वो तो परम ब्रह्म हो गया। परम ब्रह्म पहले इसलिए हो गया कि उसमें प्रवेश करके सुना भी है और सुनाया भी है, समझा भी है और समझाया भी, तो हर तरीके से संपन्न। और प्रैक्टिकल में भी, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? कहाँ पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में तो फेल है। सब पुरुष फेल हैं पवित्रता के मामले में या पास हैं? फेल हैं, वो नहीं पुरुष है। एक बार फेल हुए यज्ञ के आदि में, फेल हुए जो आदि में सो अंत में, ये हिसाब ठीक नहीं है। बाबा ने बताया जो आदि में सो अंत में, आदि में अगर फेल तो अंत में फेल होगा कि नहीं होगा? कह रहे ये हिसाब गलत है बाबा का। हैं? एक के लिए तो बात नहीं लागू होगी ना? क्यों नहीं यार लागू हो सकती? भगवान कौन है? भगवान कौन? भगवान वो जिसका मन जो है सदा कंट्रोल में हो, सदा शिव हो। जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, सदा निराकारी है, सदा निर्विकारी है, सदा निरहंकारी है, वो भगवान है। तो जो बनाता है वो तो बाद की बात। तो बनता है ना, वो आखिरी में खेल कैसा होगा? जो बनेगा वो खेल कैसा होगा? तो भगवान सबसे ऊंचा होना चाहिए कि अपना बेटा जिसको बनाया वो ऊंचा हो जाएगा? भगवान ऊंचते ऊंच होता है या नंबरवार नीचे भी होता है? ये कहते हैं भगवान वो अव्वल नंबर का भगवान और वो दूसरे नंबर का भगवान है? हैं? भगवान नीचे रहेगा? हाँ, तो दो आत्माओं के बीच में तुमने भगवान किसको बताया? एक महादेव, देव देव महादेव, देवताओं में बड़ा देवता, वो देवता है कि भगवान है? हाँ, देवताओं में बड़ा कह दो। हाँ, वही भगवान बनता है ना? वही भगवान है, वही बनता है। जो जो देवता बनता है महादेव, वही बनता है। भगवान 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 ही बनाता है ना? कितनी देर के लिए? सदा काल के लिए। सदा शिव है या टूटने वाला शिव है? अखंड शिव है या खंडित शिव है? भगवान कौन कहे? जो अखंड शिव है वो भगवान या जो खंडित शिव है, शिव माने कल्याणकारी, वो भगवान? तो वो कौन है दोनों के बीच में? ऊपर वाला है ना। ये क्या कह रहे? चलो
इस पहेली को हल करना है। अव्वल नंबर का ब्रह्मा कौन, द्वयम नंबर का ब्रह्मा कौन, थर्ड क्लास ब्रह्मा कौन, और फोर्थ क्लास ब्रह्मा कौन, और फिफ्थ क्लास ब्रह्मा कौन? पहला ब्रह्मा वही विष्णु बनेंगे। अभी सोच समझ के फिर आना बाद में। बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। म्यूजिक बजा और तुम सुनते जाते हो, जब ख्याल होता है कि क्या जमाने की पिछाड़ी चलें या हम बाप के पिछाड़ी चलें, क्योंकि बाप ले जाने वाला है, शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाने लगे, यही विनाश में शरीर खत्म हो जाएगा, और बच्चों को, कौन से बच्चों को है, शरीर यहाँ खत्म हो जाएगा तो कौन से बच्चों को ले जाएगा? अरे आत्मा बच्चों को ले जाएगा कि नहीं? वो आत्माओं का बाप तो किसको ले जाएगा? इतनी देर लगाते जवाब देने में। ओम शांति।